तो गाइस कैन मास्टर ओपन करने के बाद आपको आ जाना है इस पर 9.16 का रेशो सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा लेना है जितने का स्टेटस आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ तक रख लेता हूँ। और उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ स्टिकर्स पे चले जाना है। तो मैं स्टिकर्स पे चले जाता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये जो घर टाइप का स्टोर बना हुआ है वहाँ जाके आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, सारे यहाँ पर अवेलेबल है का। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके होम पे दबाने के बाद सबसे ऊपर बिल्कुल ये सब मिल जाता है। और ये मिलने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड मैंने कर लिया है, आप भी कर लेना डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं जैसे सिलेक्ट करूँ ये काउंटडाउन वाला भी वहीं मिल जाएगा उसके नीचे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से बड़ा कर लेने के बाद ये जो स्टार्टिंग होगा 1 2 3 आ जाएगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। मैंने सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टिकर सिलेक्ट करना है, ये है। ये यहाँ अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा ऐसे ही, तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं आप देखते रहो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी आप अगर स्टेटस लिख रहे हो तो आप किसके नाम डालना चाहते हो स्टेटस आगे व्हाट्सएप पे डालने के बाद, वहाँ लिख टाइप करने का भी ऑप्शन आता है, तो वहाँ उसका नाम डाल के इसके ऊपर अगर वो रख देगा तो उसका नाम स्टेटस में लिख सकता है वो। तो मैंने इसीलिए ये डाल दिया है, ये नेम लिख के उसके बाद इसके ऊपर वो बंदा जो भी अपना किसी के नाम से भी स्टेटस लगा सकता है, पर्सनल को भेज भी सकता है। तो आप भी ऐसे ही कर लेना, मैं कर लेता हूँ फटाफट से 1 2 3। ये नाम को मैं थोड़ा कट कर दूंगा, ये थोड़ा इधर तक आ रहा है, ये मैंने माइनस कर लिया है, आप भी माइनस कर लेना। तो ये रहा काउंट डाउन हो रहा है, उसके बाद नाम आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसको डबल डबल कर लेना है ताकि ये देर तक ब्लिंक होते रहे। जितना आप चूज़ करेंगे जितने दफ़ा तो उतने दफ़ा ये काम करेगा। तो मैं इसको दोबारा से और भी चूज़ कर लूँगा। और एक मैं यहाँ हैप्पी न्यू ईयर का शायरी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका साउंड मैं निकाल लेता हूँ। तो साउंड निकल लिया है मैंने ऐसे, और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो मेरा साउंड ऐड हो चुका है, अगर मैं प्ले करूँगा तो मेरा साउंड बजने लगेगा। यानी आप भी कोई शायरी या कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तुम्हारे भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये देख लीजिए, ये बार बार अगर स्टिकर को आप छोटे रखेंगे तो देर तक ब्लिंक करेगा, अगर आप बड़ा कर देंगे तो वो ब्लिंक नहीं करेगा। तो आपको छोटा छोटा कर लेना है, मैं इसको भी डबल कर लेता हूँ ताकि ये ब्लिंक करे बार बार। तो आप भी इससे कर लेना और देखते रहो, स्टेप मिक्स नहीं करना है आपको।